And this is the big focus story coming in from Nepal. A small passenger plane with 22 people on board has lost contact with the ATC. Now, aircraft operator uh, Tara Airlines was carrying 19 passengers on board, including four Indians and three crew members. Now, according uh, to the authorities, the flight was uh, flying from the tourist town Pokhara and was last seen over the skies of uh, Jomsong. And it was then diverted to Mount Dholagiri, after which it lost contact. Now, the Nepal government has deployed two private helicopters and army uh, choppers for search and rescue operation. Now, the plane was flying from uh, Pokra to Jomsom in Nepal. All right, uh, we're being joined by Prashant Aryal, editor in chief of uh, Galaxy 4K Television, as well as former editor in chief of Kantipur Television uh, Network. Mm -hmm. Sir, thank you so much for joining us here. Uh, I would first like to understand uh, from you that. You know, given the kind of uh, tough and challenging uh, terrains that we see in Nepal, do you think that uh, the government is doing enough in order to make a flying operations safe? Uh, thank you. I will talk in Hindi. Yes, now, sure, sir. Is, The government has made efforts. Now, here, uh, what is it? What is it? After many years, accident मगर ये रूट जो है अभी हम आप बात कर रहे हैं जो रूट पोखरा से का रूट में, पत्षी, पत्षी साल में है, है। जो पच्चीस प्लेन एक्सीडेंट होता है तो ऑलमोस्ट उसमें आ, सब आ, वो कोलेप्स कर जाते हैं मगर इस बार का जो एक्सीडेंट है ये एक्सीडेंट जोमसोम के नजदीक पहुंच के प्लेन वापस आया है जी। So, पहुंच के फिर वापस आया फिर उसका कनेक्शन लॉस्ट हो गया अभी अभी पता चला है कि पायलट का वो क्या है मोबाइल नेटवर्क पकड़ रहा है तो लोकेट करने का प्रयास कर रहे हैं, रेस्क्यू बहुत जारी है मगर वेदर बहुत खराब है वहां का जैसे कि ये ऑलमोस्ट पच्चीस मीटर अल्टीट्यूड में है। hmm. जी, oh. जी. प्रशांत जी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हमें पता है काफ़ी दिनों से वहां पे बारिश काफ़ी हो रही है सो वेदर कैन बी वन ऑफ द रीजनज फॉर दिस मिसहैप बट एक और वहां पे यह भी एक चीज़ है जो रेडार टेक्नोलॉजी होती है जो ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी होती है वो कहा जाता है नेपाल में इतनी स्ट्रॉग नहीं है जो जो कि दूसरे देशों में काफ़ी वाइडली अवेलेबल है वेन इट कम्स टू जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं जो एक एयर uh, फ्लाइट में होने चाहिए सो वी आर नॉट सेंग वी वी स्टिल डोंट नो वॉट हैज गॉन रॉन्ग सो हम ये स्पेकुलेट अभी फिलहाल कुछ नहीं करना चाहते बट हमने जब एविशन एक्सपर्ट से भी बात की तो वो बोलते हैं अगर आपका वेदर खराब है आपके टेरेन्स टफ है बट सीम्स लाइक इस फ्लाइट में हम वो नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज इनिशियलीज वो क्लूलेस एज टू वेर द प्लेन इज नहीं ऐसा बात नहीं है ये, ये बात uh... आपने कहा हो सकता है मगर अभी क्या है कि यहाँ पे जो जो स्टॉल एयरपोर्ट है नेपाल के जितने भी छोटे एयरपोर्ट है शॉर्ट लैंडिंग एंड ऑफ जितने भी एयरपोर्ट है सब एयरपोर्ट में ये आपने कहा वो रडार सिस्टम नहीं है हमारे पास हमारे पास केवल बड़े एयरपोर्ट्स में जो यहाँ पे फोर्टी सीटर से ज्यादा ऊपर वाला प्लेन बैठा है वहां पे हमारे हमारे में वो रडार सिस्टम है आई एफ आर सिस्टम है ये तो वी एफ आर है जो अल्टीट्यूड में इसलिए वहां तो स्टॉल एयरपोर्ट में कहीं भी हमारा ये IFR सिस्टम काम नहीं करता है हुँ. क्योंकि वजह वजह से, से। टेरेन हमारे यहाँ so वो स्टॉल uh... एयरपोर्ट में वो सिस्टम्स नहीं है आ, मेरे ख्याल से ये मुझे टेक्निकली ज्यादा पता तो नहीं है मगर मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉल एयरपोर्ट्स में ये सिस्टम काम नहीं करते जैसा हमारा ट्रेन में टेरेन में ये सिस्टम काम नहीं। अब रडार हो तो वो काम कर सकता है क्योंकि टेरेन टेरेन ने उसमें बीच में आ जाता है ना जा ट्रेन इसीलिए ये काम नहीं करता इसीलिए वीएफआर को ज्यादा पायलट आंख से देख के चलाता है वीएफआर बोलते हैं उसको जी ऑल राइट सर और आपके पास क्या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हाट्स हैपनिंग देयर ये अब अभ, अभी तो उसका रेस्क्यू का काम जारी है वो पता लगाना है अभी क्या है कि वो 2500 मीटर की ऊंचाई में कहीं ए, उस मिलने का आशंका है अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आया है मगर उस कन्फर्म नहीं है अनकन्फर्म रिपोर्ट ने कहा है पता लगा है पायलट का मोबाइल कर रहा है उसी से ये लोग जा रहे हैं मगर वेदर खराब है उसमें जैसे कि चार इंडियन थे, इंडियन नेशनल थे, चार इंडियन 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 थे थे नेशनल नेशनल मुंबई के थे हमारे मेरे इंफॉर्मेशन के अनुसार मुंबई के थे वो मुक्तिनाथ जा रहे थे जोसोम से नजदीक है मुक्तिनाथ वो विजिट करने जा रहे थे मुक्तिनाथ मंदिर है वहां पे दर्शन के लिए गए जा रहे होंगे शायद बाकी दो जर्मन नेशनल थे बाकी नेपाली थे तो अभी लेटेस्ट तो कोई नहीं दूसरा इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास नहीं है अभी यही है लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑल राइट प्रशांत जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का एंड गिविंग एज ऑल दैट इन्फॉर्मेशन अप्रिशिएट यू गिविंग एज योर टाइम थैंक यू सो मच थैंक यू